ये कौन? बेटे कौन हो तुम? कौन हो? आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। कौन हो बेटी? आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। बाबा। हाँ हाँ बोलो बेटी, कौन हो तुम? इतनी तूफानी रात में कहाँ से आई हो? मेरी माँ। हाँ, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? पहला घोट मेरे ग्लास से। हाँ, और फिर हमारा भी खाली करना ही पड़ेगा। मैं मतलब एक ग्लास। हाँ मेरा तो बैग बना कर अपने होठों से मीठा करके मुझे पिलाना। अब मैं तो तुम्हें आंखों से ये सब देखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपने माँ के कमरे में चली गई। फिर क्या हुआ बेटी? फिर से मेरी माँ को लेके अपने कमरे में आ गया। हाँ बेटी बोलो, घबराओ नहीं। बाबा मेरी रो मत बेटी, रो मत। दूसरे आदमी ने मुझे चलो और मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया मेरी माँ मर चुकी थी। माँ माँ रो मत बेटी, रो मत। ये कोई नई बात नहीं है, नारी के साथ युग युग से यही होता आया है। पुरुष ने हर तरह से अपने फायदे के लिए नारी को इस्तेमाल किया है। कभी तो करो मैं कभी ताज सर का, कोठों की जीनत कभी राज घर का, कभी आरती मान देकर उतारे, लेने को इज्जत कभी नत उतारे। मगर अब लगेगा न बाजार इसमें, औरत नहीं देश की जागी किस्मत। रोज अखबारों में बलात्कार की खबरें छपती हैं, जवान औरतों को जलाए जाने या और किसी तरीके से मार डालने की खबरें छपती हैं। इस देश का हर पैसे वाला बूढ़ा मर्द किसी न किसी कुंवारी लड़की को रात भर के लिए खरीदने की ताक में रहता है। मर्द को फंसाने के लिए औरत का इस्तेमाल किया जाता है, मिटाने और बनाने के लिए औरत का इस्तेमाल किया जाता है। आम की गुठली नहीं है औरत, केले का छिलका भी नहीं है औरत। औरत तो वो पेड़ है जिस पर मर्द नाम का फल लगता है। फल पेड़ के वजूद का कारण नहीं होता, बल्कि पेड़ फल के वजूद का कारण होता है। ये बात इस दुनिया के मर्दों को समझने की पड़ेगी। ये सब कुछ जब अखबार में छपेगा तो डू यू थिंक मर्द जात आपकी दुश्मन हो जाएगी? नहीं, मेरा मिशन मर्द से नफरत या दुश्मनी करना नहीं है। तो फिर मैडम आपकी मांग क्या है? मेरी मांग भी मर्द से नहीं औरत से है। क्या? ए इस देश की औरतों जागो, मैं तुम्हें मर्दों के खिलाफ भड़काना नहीं चाहती, वरगलाना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ मर्द के उस अन्याय उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो वो सदियों से करता चला आ रहा है। क्योंकि जिस देश की औरत जाग जाती है उस देश की किस्मत जाग जाती है। जो कहना चाहते हैं हम सब समझ गए बॉस। ये बड़े मुंह वाली मछली है कौन?
नारी जागरण संस्था की अध्यक्ष और अपने आप को इस देश का भविष्य कहती है। देश का भविष्य? मेरा नाम यास्मीन है। चेहरा तो फूल की तरह महक रहा है। मैंने अपनी मर्जी से अपने जिस्म को बेचने का फैसला किया है। सड़क पर बेचूं तो सस्ते दामों बिकेगा, बड़े होटलों में अपनी पहुंच नहीं है, इसलिए आपके पास आए हूँ। जरा दिखाओ तो सही, क्या है, कैसा है? ये परख आप अकेली करेंगी? मेरा मतलब है कोई बड़े काम की चीज हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। ये यास्मीन है, मुझे तो दुनिया का आठवां अजूबा लगती है, कुछ दिखाने वाली है। देखिए क्या दिखाती है। आपने से कोई भी अगर देखकर छूने की इच्छा को ना दबा सके तो प्लीज जल्दबाजी मत करना। बदन के अलावा और क्या है तुम्हारे पास? बदन के साथ जानलेवा अदाएं भी हैं और गले के साथ अंदाज भी है। आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिसका सर कदमों में न झुका हो। जो कह रही हो निभा सकोगी? कब आजमाना चाहेंगी आप? बहुत जल्दी।